बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आप आज का बिग बॉस का एपिसोड मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में आपने देखा घर के नए कैप्टन को लेकर टास्क अभी भी जारी है। तीनों सदस्यों ने अभी भी उस रिंग को पकड़ी हुए था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नेहा सोमी को डिस्क्वालीफाई कर देती है। पर इस बात से खान सिस्टर्स नाराज हो जाती है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है नेहा पेंडसे के साथ। सोमी नेहा पेंडसे से कहती है कि आपने चीटिंग किया है, अपने फायदे के लिए आपने मेरी मेहनत खराब की है, आप बहुत मीन है, आप घटिया है। और इसी दौरान घर के सभी सदस्यों की इन्वॉल्वमेंट होती है और इस दौरान घर के सभी सदस्य उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान दीपिका नेहा से कहती है कि इस घर में सबसे करीबी नेहा है मेरी, लेकिन उनके इस फैसले में मैं उनके साथ नहीं हूँ। इन सब झगड़ों के बावजूद फाइनली सुरभि राणा ये टास्क जीत जाती है और घर के नए कैप्टन बनते हैं सुरभि राणा और रोमिल चौधरी। इसके बाद अगले दिन बिग बॉस घर के सभी सदस्यों को कहते हैं वोटिंग के जरिए घर के 30 सदस्यों को जेल जाने के लिए नॉमिनेट करने के लिए कहते हैं। और इस दौरान रोमिल चौधरी से काउंटिंग में गलती हो जाती है, जिसकी वजह से श्रीसंत को बेवजह जेल की सजा काटनी पड़ती है। और इस बात से श्रीसंत रोमिल और सुरभि दोनों से नाराज हो जाते हैं और उनका उनके साथ झगड़ा हो जाता है। इस दौरान रोमिल जेल के बाहर बिग बॉस से एक अपील भी करते हैं कि बिग बॉस उस वक्त काउंटिंग में मुझसे गलती हो गई, जिस वजह से श्रीसंत बिना वजह ही जेल में आ गए हैं, क्या ये सब ठीक हो सकता है। इस पर श्रीसंत उन्हें कहते हैं ये तेरी गलती की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, कि एक इनोसेंट आदमी जेल में है वो भी तेरी वजह से। इस दौरान सुरभि उन्हें समझाती है तो श्रीसंत उन्हें कहते हैं चल हट थू। इस पर सुरभि को गुस्सा आ जाता है और फिर श्रीसंत और सुरभि का झगड़ा हो जाता है। सुरभि गुस्से में आकर श्रीसंत से कहती है तेरी थू का जवाब मैं थू से ही दूंगी, श्रीसंत होगा तो अपने घर पर। और इस तरह से उन दोनों के बीच का झगड़ा काफी बढ़ जाता है। इन सब के बाद आपने देखा कि बिग बॉस ने अनूप जालोटा और जसलीन के लिए एक रोमांटिक डिनर डेट प्लान की है, जहां पर वो दोनों सज धज कर जाते हैं और उस रोमांटिक डिनर डेट को काफी एंजॉय करते हैं। इस दौरान अनूप जी जसलीन के लिए गाना गाते हैं और जसलीन अनूप जी से कहती है कि हमारे बीच में एक रोमांटिक डांस नहीं हुआ है। तो इसके बाद जसलीन की बात पूरा करते हुए वो दोनों एक रोमांटिक डांस करते हैं और साथ ही अनूप जी अपने घुटनों के बल बैठकर जसलीन को प्रपोज करते हैं और उन्हें आई लव यू कहते हैं और जसलीन भी अनूप जी को गले लगाकर आई लव यू टू कहती है। और इस तरह से ये दोनों अपनी इस रोमांटिक डिनर डेट को काफी एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 के बिग बॉस हाउस में सभी कंटेस्टेंट की डे 19 की हाइलाइट्स। और दोस्तों अगर आप बिग बॉस 12 के हर एपिसोड की हाइलाइट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 की हर लेटेस्ट अपडेट और हर एपिसोड की हाइलाइट्स सबसे पहले यही मिलेंगे।